हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रोचेट डॉली लेके आई हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, इसके लिए इसको इस तरीके से स्लिप नॉट बनाएंगे और इसको यहीं पे हम पकड़ लेंगे और चैन फोर बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। इस डोली के लिए मैंने दो कलर लिए हुए हैं। आप कोई भी जो अच्छे कॉम्बिनेशन में अच्छे लगे दो कलर ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे फर्स्ट में। थ्री हमने 1 डबल क्रोशिया के लिए लिए हैं चैन, और चैन 1 का हम गैप देंगे इसलिए हमने 4 चैन्स लिए हैं। अब चैन 1 बनाएंगे वापस से और फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम 12 बना लेंगे। तो ये जो चैन 4 हमने शुरू बनाई थी, ये भी हमारा एक 1 डबल क्रोशिया है। इस तरीके से हम पूरे 12 बना लेंगे। उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। चैन 1 का स्पेस दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब देखिए, ये जो धागा है इसको इस तरीके से पकड़ के खींच देंगे और हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले हम चैन 1 बनाएंगे और देखिए, यहाँ से हम जो थर्ड वाली चैन में काउंट करेंगे नीचे से, थर्ड वाली चैन में, फोर वाली चैन में हम अटैच नहीं करेंगे इसको, क्योंकि चैन 1 का हमारे में गैप देना है। तो थर्ड वाली चैन में इस तरीके से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे हैं, ये बीच में आना है हमें स्लिप स्टिच से, ये इस तरीके से। यहाँ पे चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये जो चैन 1 के गैप हैं इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। ये 2 चैन 1 बनाएंगे और हर चैन 1 के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें और चैन 1 का गैप देना है। 1, 2 चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से लास्ट तक बना लेंगे, फिर यहाँ तक आके फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए, हमने बना लिया है। अब हम चैन 1 का स्पेस यहाँ भी देंगे जोड़ने से पहले लास्ट में, और जो थर्ड वाला स्टिच है इसमें स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर दें इस तरीके से। और हम यहाँ दूसरे, ये जो शुरू में हमने चैन 1 का स्पेस बनाया था उसमें आ जाएंगे स्लिप स्टिच से, 1 और ये 2। चैन 3 बनाएंगे, चैन 3 हमारा हर बार एक 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। चैन 1 का स्पेस देंगे और 3 डबल क्रोशिया देखिए यहाँ इस स्पेस में बनाएंगे, फिर चैन 1 का स्पेस देंगे और हर चैन 1 के स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें। देखिए इस तरीके से, फिर चैन 1 का स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इनके बीच में नहीं बनाना है जो हमने शुरू में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, चैन 1 के स्पेस में बनाना है। तो ये देखिए, थर्ड रो पूरी हो गई है। ये देखिए, हम चैन 1 बनाएंगे, यहाँ पे हम थर्ड वाले स्टिच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। काम हमें यहाँ से चैन 1 के स्पेस में करना है, तो जितने भी स्टिच हों हमें स्लिप स्टिच कर बना के और चैन 1 के स्पेस में आना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम बनाएंगे चैन 3, 1, 2, 3। 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर चैन 1 बनाएंगे और ये जो चैन 1 का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उनके बीच में भी हम चैन 1 का स्पेस देंगे। ठीक।
ठीक है, तो ये फोर्थ रो हम इसी तरीके से पूरी करेंगे। टू डबल क्रोशिए हो गए, चैन वन, टू डबल क्रोशिए, चैन वन, फिर टू डबल क्रोशिए, चैन वन, और टू डबल क्रोशिए, चैन वन के स्पेस में ही। ये तो यहाँ पे फोर डबल क्रोशिए आ रहे हैं, उनके बीच में चैन वन का स्पेस है और यहाँ पे भी चैन वन का स्पेस है। तो ये देखिए फोर्थ रो भी हमने बना ली है, चैन वन का स्पेस हर बार हमें देना है जोड़ने से पहले। और ये देखिए थर्ड वाले स्टिच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और हमारा चैन वन का स्पेस देखिए यहाँ है, यहाँ तो है ही, फर्स्ट जो पहला चैन वन का स्पेस है यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। और देखिए इसमें हमें चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, वन डबल क्रोशिया और बनाएंगे, चैन वन का स्पेस देंगे और हर चैन वन के स्पेस में टू डबल क्रोशिया बनाने हैं, वन टू, चैन वन, और इनके बीच में यहाँ पे इसके बीच में हर जगह में टू डबल क्रोशिए, चैन वन, टू डबल क्रोशिए बनाने हैं। ये देखिए मैंने चैन वन का स्पेस देके यहाँ पे हम इसे जोड़ लिया है। अब देखिए वापस हम यहाँ चैन वन के स्पेस में आ जाएंगे स्लिप स्टिच से, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, दो डबल क्रोशिए और बनाएंगे, वन और ये टू। तो ये जो रो है हमें थ्री डबल क्रोशिए, चैन वन, और हर चैन वन के स्पेस में थ्री डबल क्रोशिए बनाने हैं, वन वन टू और ये थ्री। चैन वन का स्पेस देंगे, थ्री डबल क्रोशिए बनाएंगे, फिर चैन वन का स्पेस देंगे, थ्री डबल क्रोशिए बनाएंगे, लास्ट तक इस तरीके से बना लेंगे। देखिए वन टू थ्री फोर फिफ्थ सिक्स वाली रो हमारी पूरी हो गई है, अब सेवन्थ वाली रो बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने चैन वन के स्पेस देके इसको जोड़ लिया है और यहाँ पे स्लिप स्टिच से आ जाएंगे चैन वन के स्पेस में। अब यहाँ पे हमें यही रो रिपीट करनी है, टू डबल क्रोशिए, ये देखिए वन टू थ्री, वन डबल क्रोशिए बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और टू डबल क्रोशिए और बनाएंगे, वन और ये टू, फिर चैन वन बनाएंगे और इसमें चैन वन के स्पेस में टू डबल क्रोशिए, चैन वन और टू डबल क्रोशिए बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं लास्ट तक बना लूंगी। ठीक है, तो ये देखिए ये वाली रो भी मैंने पूरी कर ली है। और ये देखिए चैन वन का स्पेस यहाँ दिया है जोड़ने से पहले, और यहाँ पे हम चैन वन के स्पेस में आ जाएंगे स्लिप स्टिच से, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, एक और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और हर चैन वन के स्पेस में एक यहाँ पे एक यहाँ पे टू डबल क्रोशिए का सेट बनाना है हमको, वन टू, चैन वन का स्पेस देंगे। तो एक रो हम ये वाली बनाएंगे और इसके ऊपर एक रो हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे, टू डबल क्रोशिए, चैन वन, टू डबल क्रोशिए हर स्पेस में इस तरीके से। तो ये दो रो मैं बना लूंगी, फिर आपको आगे वाली रो बताऊंगी मैं आपको। तो ये देखिए मैंने ये दो रो बना ली है, टू डबल क्रोशिए, चैन वन, टू डबल क्रोशिए की। तो ये मैं यहाँ पे लास्ट बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली दो रो बनाई है। अगर आपको और बड़ा करना है तो आप ये देखिए ये वाली रो जो हमने बनाई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिर फोर फिफ्थ सिक्स वाली जो रो है उसको रिपीट करते रहेंगे, तो आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा बना लेंगे और लास्ट में ये दो रो बनाएंगे हम। ठीक है, अब एक रो और बनाएंगे हम, यहाँ पे चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, टू थ्री। अब यहाँ पे एक वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक स्टिच में हमें एक एक वन डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक स्टिच देखिए हम यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बीच में बनाएंगे,
ये देखिए यहाँ बनाएंगे, यहाँ फिर एक बीच में, तो इसी तरीके से लास्ट तक इस रो को हम पूरा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने लास्ट रो भी पूरी कर ली है, बाद में आपको इसकी लंबाई बता दूंगी, ये चौड़ाई कितनी है इसकी। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे चैन वन बनाएंगे और यहाँ से सिंगल स्टिच बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा फर्स्ट सिंगल स्टिच है, वन टू सिंगल स्टिच ही बनाने हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, सेवन सिंगल स्टिच बना ली। अब हम बनाएंगे एट चेन्स बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट। अब यहाँ से हम ये देखिए यहाँ पे बनाया, यहाँ से सिक्स स्टिच छोड़ेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वाले में हमें सिंगल स्टिच बनाना है, फाइव छोड़े हैं सिक्स वाले में सिंगल स्टिच बनाना है। ये हमारा वन सिंगल स्टिच हो गया। हमें इसी तरीके से सेवन सिंगल स्टिच बनाएंगे और फिर एट चेन्स बनाएंगे और फाइव स्टिच छोड़ेंगे और सिक्स वाले में वापस इसको अटैच करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया है और यहाँ पे मेरे फाइव ही बचे हैं, कम बचे हैं स्टिच, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो देखिए अगर आपके स्टिच कम पड़ते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो हम चैन का स्पेस दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कम कर दें, लेकिन यहाँ पे सेवन स्टिच ही आने चाहिए क्योंकि हम जो पैटर्न बनाएंगे उसमें हम इतने स्टिच चाहिएंगे। तो अगर आपके कम ज़्यादा स्टिच होते हैं तो यहाँ पे बीच में कम कर सकते हैं, यहाँ सिक्स की जगह फाइव कर सकते हैं, एक आध कम ज़्यादा हो जाता है तो ठीक है। तो अब हम यहाँ से दूसरा धागा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको स्लिप नॉट बना ली है और यहाँ से हम शुरू करेंगे। पहले इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे हम इस तरीके से बनाएंगे चैन थ्री, वन टू थ्री। ये हमारा एक वन डबल क्रोशिया हो गया है। अब यहाँ पे हम टेन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री। मैं बना लेती हूँ टेन, फिर आपको बताती हूँ। ये थ्री, ये चैन थ्री हमारा वन डबल क्रोशिया है। तो ये देखिए टेन डबल क्रोशिया बना लिया है मैंने। अब देखिए जस्ट ये वाला स्टिच में यहाँ कुछ नहीं बनाना, इसके जस्ट पास वाले में फर्स्ट यहाँ छोड़ा और ये वन टू सिंगल स्टिच बनाएंगे, टू थ्री फोर और ये फाइव। और ये वाले में भी हम नहीं बनाएंगे, यहाँ से भी एक छोड़ा है और यहाँ से भी एक छोड़ा, हमने फाइव सिंगल स्टिच बनाए, वन टू थ्री फोर फाइव। अब वापस यहाँ से हम टेन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो पैटर्न है हमें इसी तरीके से बनाना है, ये टेन डबल क्रोशिया, यहाँ पे फाइव सिंगल स्टिच, ठीक है। तो लास्ट तक बना लेती हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और मैं सभी धागे को भी हटा नहीं रही हूँ, गांठ लगा रही हूँ इसमें। और अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं, इसको हम वापस से यूज़ करेंगे। तो इसको मैं इस तरीके से इसमें गांठ लगा दूंगी लेकिन इसको हटाऊंगी नहीं। अब यहाँ से हम वापस यही वाला कलर यूज़ करेंगे।
यहाँ पे हम पीछे वाले स्टिच पे, यहाँ देखिए पीछा, ये जो पीछे वाला स्टिच है यहाँ पे हम इसको बनाएंगे, यहाँ पे अब काम करेंगे। तो इसको पहले मैं स्लिप स्टिच से यहाँ पे अटैच कर दूंगी। चैन फोर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, और दूसरे वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली जो दिखी, आगे वाला स्टिच दिख रहा है इसको छोड़ेंगे और पीछे वाले पे चैन 1 बनाएंगे और पीछे वाले स्टिच पे ही हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। चैन 1 का स्पेस देना है, इस तरीके से मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, यहाँ तक, फिर आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने ये 10 डबल क्रोशिया है, जस्ट शुरू से हम करेंगे। यहाँ पे हमें 10 डबल क्रोशिया ही होने चाहिए हमारे पास। चैन 1 का स्पेस देंगे और 10 डबल क्रोशिया देखिए लास्ट तक बनाया है मैंने। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास 5 सिंगल स्टिच हैं, तो ये जस्ट फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे और सेकेंड वाले, ये 1, 2 और ये 3। फिर यहाँ से हम वापस से 1 डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए ये वाला छोड़ा है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये पीछे के स्टिच ही बनाने हैं, चैन 1 का स्पेस देंगे, 2, फिर चैन 1 का स्पेस देंगे, इस तरीके से लास्ट तक बना लेंगे। बीच में 3 सिंगल स्टिच आएंगे, इस तरीके से हम पूरा बना लेंगे इसको, फिर आगे बनाएंगे। ये देखिए मैं वापस यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ पे हमने जो चैन 4 बनाई थी उसके सेकंड वाले स्टिच में मैंने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया और धागे को हटा दिया है। अब हम वापस से यही वाला कलर यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम शुरू करेंगे 1, 2, 3 सेकेंड वाला, यहाँ पे फर्स्ट स्टिच है, यहाँ पे यहाँ से धागा लगाएंगे। ये हमने सेकेंड स्टिच में हमने यहाँ पे इसको अटैच किया था, यहाँ पे हमने 4 चेन्स बनाई थी, तो ये फर्स्ट सेकेंड वाला जो है चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3। अब 3 चैन्स और बनाएंगे, 1, 2, 3, और यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, और फोर्थ वाले में हम इसको सिंगल स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। देखिए अब जस्ट पास वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पीछे वाले स्टिच में ही बनाना है हमें। फिर चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3, और यहाँ पे सिंगल स्टिच से अटैच कर देंगे। 1, ये हमारा थर्ड वाला, 1, 2, 3 यहाँ अटैच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ये 4 बना लिए इस तरीके से, 1, 2, 3 और ये 4, और ये फिफ्थ वाला है हमने, देखिए 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ वाला भी बना लिया है। अब यहाँ पे हमने स्टिच के ऊपर स्टिच बनाया है, ये हमने फिफ्थ बना लिया। अब देखिए जो हम अगला बनाएंगे वो हम चैन 1 में बनाएंगे, यहाँ बीच में फिफ्थ के बाद जो 6th वाला बनाएंगे। अब यहाँ पे हम चैन 3 बना रहे थे, अब हम बनाएंगे चैन 5, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे इसको वापस से सिंगल स्टिच से अटैच कर देंगे। और फिर यहां से हम बनाना शुरू करेंगे जैसे हम पहले बनाए थे स्टिच पे, 1, 2, 3, और यहाँ स्टिच पे सिंगल स्टिच से अटैच कर देंगे। ऐसे ही बाकी के हम बना लेंगे, ये हमारा थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो मैं लास्ट तक यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको यहाँ पे हम क्या करेंगे बताऊंगी। तो ये देखिए ये हमारे 11 आएंगे, 5 इस तरफ आए हैं और 1 हमने बीच में बनाया है और फिर 5 इस तरफ आए हैं।
तो ये अभी तो मैं ये वाला कलर बना रही हूँ, हो सकता है आपको थंबनेल पे ये नहीं मिले, क्योंकि मुझे जब कलर कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं लगते, फोटो में आते नहीं हैं, तो मैं उनको चेंज कर देती हूँ। तो अब देखिए क्या करेंगे आप, हम यहाँ पे ये हमारे 5 हो गए, क्रोशे में धागे को 3 बार लपेटेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे ये स्टिच, फर्स्ट स्टिच हमारा ये है, ये जहाँ से हमने फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था ये वाला। यहाँ पे हम स्टिच को देखिए आगे की तरफ लेंगे, इस तरीके से इसको 1 2 3 और ये 4, ये इस तरीके से हो गया। अब फिर वापस से 3 बार लपेटेंगे, 1 2 3। और यहाँ पे ये देखिए ये फर्स्ट स्टिच है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है ये वाला स्टिच, इसको भी हम इस तरीके से आगे की तरफ लेंगे और यहाँ पे स्टिच बनाएंगे। वन टू थ्री और ये 4, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब फिर हम यहाँ से वापस से इस तरीके से ही बनाना शुरू करेंगे, फर्स्ट स्टिच से हमें बनाना है, देखिए फर्स्ट 1 डबल क्रोशिया, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पे अटैच करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ बनाया था वैसे ही हमें सेम यहाँ पे बनाना है, और इसी तरीके से हम लास्ट तक बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरा बना लिया है, हम लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट वाला बनाएंगे हम, ये जो हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनाएंगे, धागे को 3 बार लपेटेंगे, 1 2 3 और देखिए यहाँ पे जैसे हमने पहले बनाया था ये वाला फर्स्ट स्टिच, इसको हम बनाएंगे 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे 3 बार लपेटेंगे और ये वाला जो स्टिच है वन टू थ्री और ये 4, ये देखिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पे हम इसको शुरुआत में जहाँ से शुरू की थी वहाँ पे सेकंड वाले स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए अटैच हो गया, यहाँ पे हम धागे को काट देंगे और हटा देंगे। मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कितनी है, ये मैंने 3 mm की क्रोशे से बनाया है और इसकी ये हो रही है 14 inches हो रही है, ठीक है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने और भी बहुत सारी क्रोचेट डॉलीज़ के वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।